वेलकम टू करिश्माज रेसिपी कुक बुक। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। हम एक कप कटा हुआ चिकन लेंगे, जिसके हमने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, और क्वार्टर कप हम लोग तीखा विनेगर लेंगे, जिसके अंदर आप नमक और हरी मिर्च डाल के बना सकते हो, और आप इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एक चम्मच पिसा हुआ अदरक लेंगे, एक चम्मच पिसा हुआ लहसुन लेंगे, दो चम्मच जीरा पाउडर, और मैंने आधा मीडियम साइज की प्याज को कद्दूकस कर लिया था, तो पिसा हुआ आधा कांदा लेंगे, और दो छोटी चम्मच स्वाद अनुसार नमक लेंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और उसे हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। हमारे सारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं, और इसे हम साइड में अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम 1.5 कप आटा लेंगे, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं, और मैदा, दो छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, दो छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और दो छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में 1.5 कप दूध डालेंगे, अब हम 2 अंडे लेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अब हम इसे दूध में डाल देंगे, और 1/4 कप हम हैवी क्रीम लेंगे, जिसे हम क्वार्टर कप कहते हैं, और इस घोल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा घोल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम आटे में मिक्स किया हुआ चिकन, मैरिनेटेड चिकन, अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और आटा अच्छे से लगने देंगे। ध्यान रखें, हमें इस
आटे के पाउडर को अच्छे से लगने देना है हमारे चिकन नगेट्स पे, और इसे हम दो बार रिपीट करेंगे। हम इसे दो बार बारी बारी में लगाएंगे। ये एक बार हमने आटे में लगा चुके हैं चिकन को अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से लग चुका है। अब हम दूध के मिश्रण में हम इसे आटे से लगा हुआ नगेट्स को हम वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दूध में एक बार डिप कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और जैसे मैंने कहा था, हम दो बार आटे में इसको वापस अच्छे से चिकन नगेट्स को लगाएंगे। इसी तरीके से सारे चिकन नगेट्स को अच्छे से दूध के मिश्रण में आपको अच्छे से घोल के लगा देना है। ये अच्छे से लग चुके हैं। अब फिर से हम इसे आटे में लगा देंगे ताकि दो लेयर लगने से, दोबारा दो लेयर लगने से आटा बहुत अच्छे से लग जाता है और मिश्रण भी अच्छे से लग चुका होता है, यानी अच्छे से मैरिनेट हो चुका होता है। तो हम इसे देखना, जब हम इसे तलेंगे तभी इसका लेयर बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। ऐसे ही सारे नगेट्स मैंने आटे में लगा दिए हैं इस प्रकार। अब हमने एक कढ़ाई में तेल लेकर मीडियम फ्लेम पे गरम होने रखा था। इसे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते हम सारे नगेट्स डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से तलेंगे। मीडियम फ्लेम पे तलने के कारण चिकन अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएगा और ऊपर की जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी होके बाहर निकलेगी। तो आप इसे धीमी आंच पर जैसे मीडियम फ्लेम पे ही तलने दें, करीबन 7 से 8 मिनट तक। आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नगेट्स को आप एक एक ही करके डालिएगा ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अगर आप देख सकते हैं तो साइड से ये थोड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब आप इसे बारी बारी आप पलट दीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, यानी अब हमारा चिकन नगेट्स पकने की तैयारी पे है। हमें इसे डार्क ब्राउन गोल्डन होने देना है ताकि ये अंदर से अच्छे से चिकन पक जाए और ऊपर से टेंडर हमारा बहुत ही क्रिस्पीनेस आ जाए।
ध्यान रखें हमारा तेल मीडियम फ्लेम पे ही होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और इसे हम बारी बारी घुमाते रहेंगे ताकि हर तरीके से ये हर जगह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन दिखे। ये देखिए एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुके हैं अब हमारे नगेट्स। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी दिख रहे हैं एकदम। अब हमारे चिकन नगेट बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के लिए डिश में निकालेंगे। देखिए अब हमने पेपर टॉवल पे रखे हमारे चिकन नगेट सब तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और आइकन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।